हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आप सभी का स्वागत है एक और एडवेंचर वाली वीडियो में। गाइस हम लोग निकल चुके हैं वर्ल्ड टूर के ऊपर और आज हम करने वाले एक जबरदस्त वाला एडवेंचर हांगकांग के अंदर। गाइस हांगकांग आपने पूरा सिटी देखा होगा, हमने आपको सब कुछ दिखा दिया। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो भाई देखो, वर्ल्ड टूर की कितनी सारी मस्त मस्त वीडियोस हांगकांग की आ चुकी हैं। लेकिन आज हम लोग जाने वाले हैं कि एडवेंचर पे, और ये वाला जो है अब तक की हांगकांग की सारी वीडियो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। और गाइस डिफरेंट होने का रीज़न ऐसा है कि अब तक हमने आपको हाई फाई जगह दिखाई थी, नई नई एडवेंचर दिखाए थे, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं हांगकांग के गाँव। और गांव भी ऐसा जो कि अपने आप में बहुत ही खास है। ऐसा लगता है कि इस गांव में बाढ़ आ रखी है हमेशा ऐसा लगता रहता है कि बाढ़ है, क्योंकि जो गांव है वो नदी के बीच में बसा हुआ है, यानी कि पानी के ऊपर पूरा गांव बना हुआ है। सोच के अलग नहीं लग रहा कि पानी के ऊपर पूरा गांव बना है? जी हाँ गाइस, पानी के ऊपर, नीचे पानी है, घरों के ऊपर गांव है पूरा का पूरा। अब कैसे बना है, उन्होंने लकड़ियां वकड़ियां पता नहीं क्या बांस वांस लगा करके अपना हिसाब जुगाड़ बना रखा है, तो वो दिखाएंगे। उसके बाद में डॉल्फिन ढूंढने की भी कोशिश करेंगे, डॉल्फिन देखेंगे, पता नहीं दिख जाए तो मजा आ जाएगा। और साथ ही साथ में एक और एडवेंचर पे चलेंगे जो कि वीडियो के लिए सरप्राइज है, वो चलेंगे लास्ट में। तो फटाफट से शुरू करते हैं गाइस, आप सब लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। शुरू करते हैं, भारत माता की जय। दोस्तों ये जो गांव है इसका नाम है ताई ओ या ताई ओ, अपना जो ताऊ ताई वाला ताई होता है बिल्कुल वही स्पेलिंग है, टी ए आई ताई ओ, ठीक है, ऐसे समझाना पड़ता है यहाँ के लोगों को। और यहाँ पर आप देख सकते हो बड़े बड़े शिप्स हैं, आप लोग देख सकते हो कितने बड़े बड़े जहाज, तीन वहाँ खड़े हैं, दो यहाँ खड़े हैं, एक वहाँ खड़ा है। और जो ताई ओ विलेज है ना, वो एक फिशिंग विलेज है, यानी कि मछली पकड़ने वाला गाँव है। तो पहले चलते हैं गांव के अंदर, हम लोग गांव को क्रॉस करेंगे, उसके लिए एक बोट ले जानी पड़ेगी, खुद की पर्सनल बोट बुक करते हैं, लेके चलते हैं गांव में। और गाइस ये जो वीडियोस हैं खासकर हांगकांग वाली, वो हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है भाई। हांगकांग बहुत महंगा शहर है यार, उस हिसाब से हर चीज़ का इतना खर्चा है। अब हम यहाँ पर सिंपली आ रहे हैं और वीडियोज़ बना रहे हैं, लेकिन मतलब गाइस आने का जो किराया है ना, जस्ट 50-60 किलोमीटर आने का, टैक्सी वैक्सी बुक करने का, वो भी भाई 15-20 हज़ार रुपये तो सिर्फ किराया लग जाता है, अब सोचो। तो भाई हम लोग कोई कमी नहीं रख रहे हैं, तो आप भी मत रखना, वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से कर देना। चलो बोट बुक करते हैं अब अपन। तो भाई ये बोट बहुत सारे लोगों को लेके जाती है, लेकिन अभी हमने इसको पर्सनल बुक किया हुआ है, इतनी सारी सीटें, लेकिन हम चार ही लोग हैं यहाँ पे, ओनली बोट में आ चुके हम लोग। और अब हमारी जर्नी यहाँ से हो रही है शुरू। अरे यार हमने ज़्यादा बड़ी बोट बुक नहीं कर ली यार कुछ, और हम चार ही लोग हैं, कोई नहीं है लिटरली देखो। तो भाई हम लोग अब बोट को लेके घुस रहे हैं इस गांव के अंदर। और गाइज ये जो बोट है, अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसको कितने रुपए में लेके आए हैं, तो गाइज हम लोगों ने ये जो बोट है पर्सनली बुक करी है 30 मिनट के लिए, और 30 मिनट में ये हमसे ले रहे हैं 1000 हांगकांग डॉलर, जो कि पड़ता है लगभग 10,500 रुपये, आधे घंटे का 10,500 रुपये। लेकिन भाई अब आपको दिखाना था तो पर्सनली बुक तो करना ही था, एक यूनिक जगह अपने आप में बिल्कुल। इस गांव की जो जनसंख्या है वो लगभग 1200 लोगों की है बस। गाइज अब आप लोग देखो, ये बीच में से नदी जा रही है, और यहाँ पर इन लोगों के जो घर हैं वो इन बांस पे या फिर लोहे के ऊपर बने हुए हैं पूरे। अभी तो आगे और जाएंगे हम लोग। और भाई सोच के बहुत अलग सा लगता है कि एक ऐसा गांव जो कि पूरा पानी के ऊपर खड़ा हुआ है, देखो ये तो सब कुछ ही पानी के ऊपर खड़ा हुआ है इनका तो। ये देखो भाई पूरा पानी है चारों तरफ, जंग सी भी लग रखी है, पता नहीं क्या जम रखा है। और भाई इस जगह पर एक और बहुत ही खास चीज़ है, वो है यहाँ की शांति। पूरा गांव पानी के अंदर डूबा हुआ सा लगता है, लेकिन एकदम शांत है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई नॉइस यहाँ पर नहीं आ रही है। और सामने है पहाड़, जो व्यू है वो बड़ा ही तगड़ा आता है भाई चारों तरफ का। ऐसी चीज़ भाई मैंने तो आज तक नहीं देखा। अगर ऐसा कहीं पर होता है ना, तो उसको बोला जाता है कि बाढ़ आ गई है।
10, 10 × 20, 22 भाई 22 सीट है। 22 सीट कितना हो गया एक बार में यार? 22 × 50 1100 रुपए, $1100। अरे अपन ने जो दिए वो तो एक बार में आ जाएंगे भाई किसी की बोट, किसी का डीजल, किसी का पेट्रोल हम लोग कमा सकते किसी ने नहीं किया। तो गाइस ये जो जहाज है ये अभी अभी स्टार्ट हो गया है, बहुत बड़े साइज का है और ये चल भी रहा है। अरे भाई देखो जंग लगी हुई है नीचे इसमें और ये मछली पकड़ के लाता है। कहाँ आ गए गाइस आज हम लोग? मछली पकड़ने वालों के गांव में आ गए भाई। ये वाला भी हो गया स्टार्ट। यहाँ पे एक और जहाज है, ये भी बहुत बड़ा है। आप लोग देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं भाई। और ये मछली पकड़ते हैं, जो इतनी सारी चीजें आपको झींगे केकड़े देखने को मिलते हैं ना वो ये वाले जहाज हैं, ये लोग पकड़ते हैं वो। और भाई ये है मोटर और ये देखो पानी को किस तरीके से काट रही है भाई। और ये है इसका स्टीयरिंग भाई, ये गियर है। अंकल जी अभी चला रहे हैं बड़े ही मुस्तैदी के साथ। और भाई अब हम लोग आ चुके हैं समंदर के अंदर और डॉल्फिन देखने के लिए जा रहे हैं। देखो चारों तरफ में अब पानी पानी आ गया, उधर पे एक आइलैंड भी है। देखो वो आइलैंड है, कितना हरा भरा दिख रहा है वहाँ पे। और समंदर की गहराइयों में आ गए, अब नीचे पानी बहुत गहरा होगा यहाँ पे क्योंकि हम किनारे से आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर आ चुके हैं अभी। और भाई ये कुछ पूछ रहा है, अब मैंने कैमरा चालू किया, पूछ ना। ऐसे बोल रहा हूँ हाँ। डॉल्फिन का दम क्यों नहीं घुटता है पानी के अंदर बताओ नीचे कमेंट्स में, ये पानी के अंदर डॉल्फिन का दम क्यों नहीं घुटता। और भाई अब हम इस गांव के मार्केट में आ गए हैं। ये है मार्केट, पता नहीं भाई क्या है, स्मेल आ रही है बहुत तेज। और हम लोग अरे यार स्मेल आ रही है बहुत तेज, पता नहीं भाई किसके अंडे से ही लग रहे हैं। और भाई ये पता नहीं क्या चीज है, ये कौन सा जानवर है या क्या है पता नहीं, इन्होंने ये रखा हुआ है, कोई मछली है ये। मछली पाउडर, मछली ऑयल। और गाइस अब हम लोग टैक्सी में जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी अगली जगह पर। और ये देखो गाइस यहाँ पर है कुछ मूर्ति सी, और वहां देखो भाई वो है बुद्ध भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति। हजारों सीढ़ियां हैं और ये सारी सीढ़ियां हमको चढ़ के जाना है गाइस। गाइस देखो सीढ़ियां कितनी सारी हैं, ये देखो गाइस, और तब हम वहां पहुंचेंगे। और ये सीन है ना, ये मैंने कहीं ना कहीं किसी मूवी या वीडियो में जरूर से देखा है। चलो ऊपर चलते हैं दोस्तों। ये जो बुद्ध भगवान की मूर्ति है ये दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध की स्टैचू है, बुद्ध भगवान की सबसे ऊंची दुनिया की मूर्ति। तो भाई ये है बुद्ध भगवान की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति जो कि कॉपर की बनी हुई है। और मैं आपको अभी जूम करके इसकी डिटेल्स दिखाता हूँ। ये देखो भाई ये है इनका फेस, इनका चेहरा एकदम बढ़िया से बनाया हुआ है। और नीचे आ जाते हैं तो भाई ये एक सिंहासन पे बैठे हैं, शायद कमल के आसन पे बैठे हुए हैं पूरा ये। और यहाँ पर ये अपने हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बड़ा हाथ है भाई ये, बहुत बड़ा हाथ है। ये पूजा कर रहे हैं, देखो ये कमल अर्पित कर रहा है और इसके हाथ में कुछ खाने पीने का सामान है। जो बुद्ध भगवान का सर है उसका साइज भी मेरे हिसाब से कम एक घर के बराबर होगा, बहुत बड़ा है भाई। अरे भाई भर्तृहरि बाबा की जय। और मूर्ति को देखने के लिए ऐसा सर करना पड़ता पूरा ऊपर, पूरा 90 डिग्री ऐसे करना पड़ता है ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंदाज आ रहा है मेरे को। जन्नत सी जगह के ऊपर जो है बनाई गई है और यहाँ आकर अलग ही सुकून महसूस हुआ। और गाइस जब हम बुद्ध भगवान तक आ ही गए हैं तो यहाँ पर दुआ करते हैं बुद्ध भगवान से कि भाई हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी चाहने वालों को, सभी दोस्तों को हमेशा जो भगवान हैं वो खुश रखें, सब लोग जो उनकी इच्छा है ज़िंदगी में वो कर पाएँ, सब हमेशा बहुत खुश रहें, जय हो बुद्ध भगवान। और गाइस हम लोग देखो कहाँ से चढ़ के आए हैं, वहाँ से नीचे वो जो है वहाँ से ये सीढ़ियाँ आ रही हैं। बोल बुद्ध भगवान की जय हो, बोल भर्तृहरि बाबा की जय, बोल बजरंगबली की जय, भारत माता की जय। दोस्तों ये है
बुद्ध भगवान की मूर्ति का एक फोटो जो कि हवा से मतलब ड्रोन की मदद से ऐसा दिखता है। और ये देखो भाई कितनी बड़ी स्टैचू है, इससे आपको पूरा अंदाजा लगेगा कि ये कैसा दिखता है। कितना तेज घूम रही है भाई, बहुत तेज तेज घूम रही है, हवा चल रही है और देखो ये कैसे घूम रही है सारी। अरे नहीं ऐसे उड़ने गए जी। शायद पूजा पाठ करने की कोई चीज़ है, हमें तो पता नहीं, आपको पता है तो नीचे कमेंट्स में बताओ कि ये क्या चीज़ है। और ये जो मूर्ति है यहाँ से दिखती है कुछ इस तरीके से नीचे से। और गाइस अब चलेंगे अगले एडवेंचर पे जो कि है गाइस केबल कार, यानी कि ये वाली गाड़ियाँ जो कि केबल पे चलती हैं। और भाई ये हमें कराएंगी आसमानों की सैर और आएगा बहुत सारा मजा। ये देखो ये कार है केबल पे चलती है और पूरा पहाड़ों का जो है उसके बीच में से उसको चीरते हुए जाती है। भाई मजा आएगा जरूर से। टिकट हमने ले ली है और ये है इसकी टिकट। तो गाइस आ गए हैं हम लोग अंदर। तो भाई यहाँ पर ये बहुत सारी केबल कार्स आ रही हैं, इसमें जाएंगे हम। हाँ भाई कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है भाई, मजा आ रहा है। पहाड़ों में सब आएगा मजा। इस पूरे केबल कार में हम चार लोग हैं, बहुत सारी जगह है ऊपर आप देख सकते हो। और गाइस इस एक वीडियो के अंदर हमने तीन अलग अलग एडवेंचर्स डाले थे ताकि आप लोगों को मजा आए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर से बताना और वीडियो के लिए लाइक जरूर से कर देना। मेरे को तो मजा आया भाई, बहुत मजा आ रहा है। मेरे को मजा है और स्पीड। तो गाइस हम लोग केबल कार में आ चुके हैं और गाइस ये अब ऊपर चढ़ रही है भाई आसमान में। हम लोग हवा में लटके हुए हैं और हवा में हम लटके हुए हैं इस एक सिर्फ एक ऐसा हुक सा है उसकी मदद से। मैं दिखाता हूँ भाई, ये देखो गाइस ये डर लग रहा है इसमें से। और जो बिजली के खंभे होते हैं ना देखो वैसे टावर्स हैं यहाँ पे, उस टावर पे चलती है भाई। हम बहुत ऊंचाई पे हैं, ऐसे देख के तो डर लगता है। ओ भाई बचा के बचा के, अरे बचा के निकालो, देखो देखो कितना पास जा रहा है वो। उतरियो नीचे नीचे नीचे, खतरनाक व्यू आ रहा है यहाँ से भाई। और हमको इस केबल कार के जो पैसे लगे हैं गाइस वो लगे हैं $650, $640 लगे हैं। और भाई अब हम लोग आ चुके हैं पानी के ऊपर और अब पानी को क्रॉस करेंगे अपनी केबल कार से। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा आज के इस एडवेंचर में, आज के इस वीडियो के अंदर। केबल कार में हम लोग अभी स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं, उधर पे अभी हम लोग पानी के ऊपर तैर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं गाइस। तो अगर आपको मजा आया वीडियो के अंदर तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए। वर्ल्ड टूर चल ही रहा है तो कौन सा कंट्री में जाना है नीचे कमेंट में जरूर से बता देना। और गाइस जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो आपको यूट्यूब से भी पहले मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी amit.yt पे, सब लोग फॉलो भी कर लेना। चैनल को तो आप लोग सब लोग जो है सब्सक्राइब कर ही रखा है, जिसने नहीं किया भाई कर लो यार, आपके लिए वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। और एक बात और महसूस हो रही है गाइस वर्ल्ड टूर करते हुए कि भले ही दुनिया में कितना भी लग्जरी कुछ भी हो लेकिन गाइस सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो तो गाइस है ही, मतलब अपने देश की एक अलग ही बात है, घर की याद भी आने लग गई है यार अब तो। लेकिन अब क्या करें, अभी तो थोड़ा सा और घुमा फिरी करते हैं। सब लोग लाइक कर देना, आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।